जय गुरुदेव। और दोस्तों, मेरे चैनल सिद्ध साबर मंत्र में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। और देखिए, आज मैं आपके सामने जो साधना की वीडियो देने वाला हूँ, वो साधना एक सिद्ध साबर मंत्र की साधना है। मंत्र बहुत छोटा सा है, मंत्र आपको ऐसा लगेगा कि वैदिक मंत्र है, लेकिन फिर भी वो एक साबर मंत्र है, ठीक है। तो इस साधना के द्वारा आप अपने शत्रु को, चाहे आपका शत्रु कैसा भी है, वो कितना भी ताकतवर है, कितना भी बलवान है, और ऐसे शत्रु अक्सर आपके पास आसपास ही होते हैं, आपके सगे संबंधी भी हो सकते हैं, आपकी जो उन्नति से जलने वाले कुछ ईर्ष्यालु व्यक्ति भी हो सकते हैं, और वो सबके ही होते हैं। आप क्या सोचते हैं कि मेरे नहीं है? मेरे भी हैं, यूट्यूब पर ही है, कहीं दूर नहीं है। YouTube पर, जबकि उन्होंने मेरा चेहरा नहीं देखा, मुझे जानते नहीं, मेरा अता पता उनको मालूम नहीं, लेकिन फिर भी वो मुझसे ईर्ष्या करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि किसी भी बढ़ते हुए व्यक्ति को कुछ लोग देखना नहीं चाहते हैं। ऐसे जो व्यक्ति होते हैं वो संसार में एक पशु के समान होते हैं। कैसे? कि पहले तो मैं आपको ये बता देता हूँ कि ये वीडियो कौन सा है, किस साधना का है। आपके शत्रु को उच्चाटन करने का साथ ये वीडियो है। ये साधना जो मैं बता रहा हूँ, जो सिद्ध साबर मंत्र है, ये शत्रु को उच्चाटन करने के लिए है। कि आपका अगर कोई शत्रु है, इसमें आपको साधना करने की आवश्यकता नहीं है। इस मंत्र में ये स्वयं सिद्ध मंत्र है, स्वयं सिद्ध मंत्र है ये। और इस मंत्र से आप एक ही दिन में, केवल एक दिन में अपना पूरा प्रयोग कर सकते हो। तो ऐसा मंत्र है ये। आज मैंने ये काफी दिनों बाद कोई सिद्ध, जो स्वयं सिद्ध साबर मंत्र है, वो मैं आपको दे रहा हूं। तो देखिए, मैं आपको ये कह रहा था कि जलने वाले हर जगह मिल जाएंगे। मुझसे भी जलने वाले हैं, बहुत जलने वाले हैं, लेकिन अब जलते रहो। मेरी अपनी प्रवृत्ति ऐसी है कि अगर कोई व्यक्ति मुझे गलत भी बोल करके चला जाता है, तो मैं फिर भी उसको कुछ नहीं बोलता हूँ, कुछ नहीं करता हूँ। हालांकि मुझे भी गुस्सा आता है, इंसान तो मैं भी हूँ, गुस्सा मुझे भी आता है, लेकिन मैं ये सोच करके रुक जाता हूँ कि भाई ये तो पागल है ही, तू क्यों पागल इसके साथ बन रहा है? क्यों? क्योंकि अगर मैंने कुछ इसके लिए किया, तो उसका भी दोष मुझे ही लगेगा। तो इसलिए ऐसे व्यक्तियों से फिर मैं किनारा कर जाता हूँ, ठीक है। सिर्फ यही एक साधन सबसे अच्छा होता है कि उससे आप अलग हट जाइए, उसको जाने दीजिए, कोई और दूसरा देख लेगा उसको, ठीक है। तो जलने वाले तो यहाँ पर भी हैं, YouTube पर भी हैं, मुझसे जलने वाले भी हैं, तो आपसे जलने वाले भी होंगे। आपके घर, पड़ोसी, परिवार में कोई ना कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपसे जलते होंगे। तरह तरह के क्रियाक्रम, जो कि कुछ ऐसे तांत्रिकों के पास जा करके वहाँ से ऐसे कुछ किया कराया ले करके आते हैं, और आप उसमें परेशान रहते हैं, या किसी ने आपके परिवार के किसी व्यक्ति को जान से ही मार दिया। तो देखिए, ऐसे शत्रु के लिए जो मैं ये उच्चाटन मंत्र दे रहा हूँ, ये उच्चाटन मंत्र स्वयं सिद्ध है और बहुत पावरफुल मंत्र है। यानी कि उस घर के सभी व्यक्तियों का उच्चाटन होगा, नहीं जाएंगे तो मरेंगे, निश्चित है, और नहीं तो उनको वहां से वो घर छोड़ करके जाना पड़ेगा। जब तक घर नहीं छोड़ेंगे, तब तक परेशान भी रहेंगे, कोई ना कोई आफत उनके सर लगी रहेगी, और हो सकता है कि कोई व्यक्ति उनमें से मर भी जाए, तो कह नहीं सकते हैं। और देखिए, मुझसे जलने वाले, जहां तक मेरी बात है, तो रात मेरे पास एक फोन आया, उड़ीसा से बोल रहा था, वो कह रहा था कि मैं उड़ीसा से बोल रहा हूं, और मैंने उसको पूछा कि भाई तुम किस लिए तुमने फोन किया? गुरुजी, आपने मेरा फोन नहीं उठाया, मैंने आपसे कुछ क्वेश्चन किया, आपने मुझे दूसरी साधना पकड़ा दी, और मेरे तो गुरु उज्जैन में हैं, अघोरी। मैंने कहा ठीक है, अघोरी तेरे गुरु हैं, ठीक है, लेकिन फिर तूने मुझसे गुरु दीक्षा के लिए क्यों बोला? जब तेरे गुरु हैं तो क्यों बोला? अघोरी, आप दूसरों को लूटते हैं, आप ये करते हैं, आप वो करते हैं। भैया, तू ठेकेदार है सबका यार, किसको लूट लिया मैंने? तेरे से तो नहीं लूट रहा कुछ भी,
तो गुरु दीक्षा मांग रहा था, मैं बोलता कि 2100 रुपये गुरु दीक्षा के लगेंगे तो बढ़िया होता, मैंने कहा तब अच्छा था। और तुझे मैंने ये कह दिया कि तू सिर्फ साधना कर, पहले मैं भी तो देख लूँ कि तेरे अंदर सामर्थ्य कितनी है, कि तुम सामर्थ्यवान हो कि नहीं हो। गुरु दीक्षा ऐसे ही नहीं मिलती कि फटाफट फोकट में 2100 रुपया लिए या 3100 रुपया लिए और गुरु मंत्र पकड़ा दिया। ऐसे चलो कि मुझे आवश्यकता नहीं है, मुझे तो ऐसे चाहिए जो मेहनत करने वाले हों। जब मैं उसको शिव मंत्र की 1,25,000 मंत्रों का जाप करने के लिए साधना देता हूँ और वो 1,25,000 मंत्रों का जाप 21 दिन में मुझे पूरा करके दिखाता है, तब मैं समझता हूँ कि हाँ ये गुरु दीक्षा के लायक है। गुरु का भी फर्ज बनता है कि वो अपने शिष्य की परीक्षा ले, ऐसे ही गुरु दीक्षा नहीं मिल जाती है कि उठा के गुरु मंत्र दे दिया, पता लगा चेला जा करके जो है उल्टे सीधे कर्म कर रहा है, उसका फल कौन भुगतेगा? गुरु भुगतेगा उसका फल, समझे? तो ऐसे नहीं दे देता मैं। और ऐसे लोग जो है ना, अब ये वो लोग कौन है मैं आपको बताता हूँ सच्चाई आज क्या है। ये वो लोग हैं जिनकी दुकानदारी पे फर्क पड़ रहा है। वो गुरु दीक्षा देते थे, चैनल चलाते हैं, गुरु दीक्षा देते हैं, लोगों को लूटते हैं, तो उनको दिक्कतें हो रही हैं। दिक्कतें क्यों हो रही हैं? क्योंकि मैंने कुछ वीडियोज में दिया हुआ है कि आप सावधान रहें। मैंने अपने जितने भी मुझसे जुड़े हुए जो भी व्यक्ति हैं उनको सबको सावधान किया है। अब उनको लग रहा है कि यार ये तो हमारी दुकानदारी पे टाका मार रहे हैं, ये तो दुकानदारी को बंद करने के चक्कर में लगे हुए हैं। ये वो लोग हैं जो गुरु दीक्षा के नाम पे, सामग्री के नाम पे पैसा ले लेते हैं और फिर नंबर ब्लॉक कर देते हैं। ये वो लोग हैं जो जलने वाले हैं, सच्चाई जहां ये है। खैर चलो जो भी है, अब मैं आपको वो साधना बता देता हूं कि जो उच्चाटन वाली साधना है अपने शत्रु को उच्चाटन करने के लिए। देखिए इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको काले रंग का वस्त्र लेना है जो कि आपकी चौकी पर बिछा हुआ होगा। रविवार के दिन ये प्रयोग करना है, रात्रि में 9 बजे आपको ये प्रयोग करना है, ठीक है? और दक्षिण दिशा की तरफ मुख करके आपको बैठ जाना है। क्षेत्रपाल यानी कि भैरव की ये साधना है, भैरव का मंत्र आपको जपना है, ठीक है? सामने एक तेल का दीपक लगाएंगे, कड़वे तेल का दीपक जिसको बोलते हैं सरसों का तेल, उसका एक दीपक लगाना है आपको। लाल रंग के पुष्प चढ़ाने हैं और सुगंधित अगरबत्ती या धूपबत्ती जो भी आपके पास है वो भी आपको लेनी है। इससे पहले आपको क्या करना है, जब आप एक चौकी लगा लेंगे, आसन आपका काले रंग का होगा, अगर काले रंग के वस्त्र धारण कर लो तो बड़ी अच्छी बात है, अगर नहीं है तो फिर कोई दूसरे वस्त्र भी धारण कर सकते हो। अब आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको अपने गुरु का पूजन करना है, जो भी आपके गुरु हैं, अगर आपने अपने गुरु बनाए हुए हैं तो अपने गुरु का पूजन करके और एक माला गुरु मंत्र की आपको जरूर जपनी है। अगर गुरु नहीं है तो फिर भगवान शिव को गुरु मान करके और एक माला ओम नमः शिवाय का आपको जाप करना है, ठीक है? और इसमें आपको काले हकीक की माला की जरूरत पड़ेगी, वो अगर आप मंत्र सिद्ध प्राण प्रतिष्ठा युक्त माला आप लेना चाहते हैं तो मैंने व्हाट्सएप नंबर वीडियो में दिया हुआ है, वहां से आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं और वो माला आप प्राप्त कर सकते हैं, उसी माला से आपको जाप करना है, ठीक है? अब आपको करना क्या है कि जब आप गुरु पूजन कर लेंगे, गुरु मंत्र का आपने जाप कर लिया, फिर आपको 21 बार जो सर्वार्थ साधक गुरु मंत्र है उसका आपको जाप करना है, जो सावर गुरु मंत्र है, जो मैंने आपको पिछली वीडियोज में भी बताया है। अगर नहीं सुना है तो आप सुन लीजिए और लिख लेना। मंत्र इस प्रकार से है, वो गुरु सठ गुरु है वीर, गुरु साहब सुमरो बड़ी भात, सिंगी टोरो वन कहो मन्नाऊ करतार, सकल गुरुन का हर बजे घट्टा पकड़ उठ जाग, चेत संभार श्री परमहंस। इस मंत्र को 21 बार आपको जपना है, बस केवल 21 बार, इससे ज्यादा नहीं। और इसको 21 बार जपने के बाद भगवान क्षेत्रपाल यानी कि भगवान भैरव का आपको छोटा सा पूजन करना है, उसमें आपको पुष्प चढ़ा देने हैं, थोड़ा सा बतासा अगर हो तो वो चढ़ा देना है। अगर आपके सामने भैरव जी की मूर्ति रखी है तो ठीक है, नहीं तो शिव भगवान शिव की मूर्ति के समक्ष ही आपको चढ़ा देना है। अगर मूर्ति है तो आपके पास तो ठीक है, नहीं है तो भगवान शिव की जो प्रतिमा है उसके सामने ही आपको चढ़ा देना है ये सब, और तेल का दीपक लगा देना है। अब आपको जो मंत्र आपको जपना है वो मंत्र मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि माला आपको काले हकीक की लेनी है
और काले हकीक की माला से ही आपको केवल 5 माला का मंत्र जाप करना है। एक दिन की साधना ही है, आगे पीछे कुछ नहीं करना है फिर आपको, ठीक है। थोड़े से चावल ले लेना, चावल चावल लेकर के उनको रख लेना, ज़्यादा नहीं, थोड़े से ज़्यादा 25-30 चावल बस, इससे ज़्यादा नहीं, क्योंकि अन्य तो शत्रु को पता लग जाएगा, अगर मुट्ठी भर के फेंकोगे ना तो शत्रु को पता लग जाएगा, तो इसलिए इतने लेना कि जिससे कि पता ना लगे किसी को। और जो आपको मंत्र जपना है वो इस प्रकार से है मंत्र, ओम नमो क्षेत्रपाल विक्राला मम शत्रु उच्चाट्य उच्चाट्य हुम फट स्वाहा। इस मंत्र का 5 माला का जाप करना है आपको, वो चावल आपको रख लेने हैं सामने रख करके चावल, और 5 माला का जाप करना है। और जब आपकी 5 माला पूरी हो जाए तो वो जो चावल रखे हैं उनके ऊपर आपको थोड़ी सी फूंक मार देनी है, मतलब कि उनको अभिमंत्रित कर देना है। और जो माला है आपकी उस माला को चौकी पर रख देंगे। अब आपको क्या करना है, उसी टाइम जो आपका शत्रु है उसके घर जाएंगे, या तो या बाहर से ही कैसे भी करके उसके घर में वो चावल फेंक देने हैं। बस वो चावल आप फेंकेंगे, आप देखोगे कि 15-20 दिन या महीना भर बाद उसके घर में विद्रोह उत्पन्न हो जाएगा और तरह तरह के उसके सामने अड़चनें आनी शुरू हो जाएंगी। आप देखोगे कि वो वहाँ से, हो सकता है कि उसके मन में ऐसी भावना आ जाए कि मैं यहाँ से इस घर को छोड़ करके कहीं दूसरी जगह रहने लगूँ जा करके, तो वो शत्रु आपका वहाँ से छोड़ करके घर को भाग जाएंगे। और जो काले हकीक की माला है जो है आपको उसको जल प्रवाहित कर देना है, फिर अगले दिन आपको जल प्रवाहित करना ही करना है उसको, उस माला को। और ये मंत्र स्वयं सिद्ध मंत्र है, इसमें साधना करने की आवश्यकता नहीं है, इसमें सिर्फ आपको केवल एक ही दिन 5 माला का जाप करना है बस, और आपका काम पूरा। वहां पर रहने वाले, जहां आप ये चावल डालोगे ना, वहां पर जितने भी लोग रहने वाले हैं सबका उच्चाटन होगा, सबका टोटल, एक नहीं बचेगा। तो इस मंत्र के द्वारा तुम अपने शत्रुओं का उच्चाटन अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। और देखिए वीडियो को मैं इसको ज़्यादा लंबी नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादा बड़ा मंत्र नहीं है, तो इसलिए अब मैं वीडियो को यहीं पर समाप्त करता हूँ। और मेरे साथ बोलिए, बोलिए वीर बजरंग बली हनुमान जी महाराज की जय, बोलिए मेरे परमहंस गुरुदेव की जय।